नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा बगारिया छुंदा का अचार बनाएंगे। तो ये छुंदे के लिए हमने ये जो कच्चा आम है इसको कद्दूकस करके रखा है, और ये हल्दी है, ये नमक है, और ये दरदरा पिसा हुआ धनिया है, और ये हींग है, और ये दाना मेथी है, और ये राई की दाल है, और ये लाल मिर्च है, ये सौंफ है, और ये लौंग और दालचीनी है, और ये 250 ग्राम हमने गुड़ लिया है, क्योंकि 250 ग्राम हमारा ये ग्रेटेड कच्चे आम का छुंदा है। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम ये 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। पाउडर मतलब दरदरा कुटा हुआ धनिया है, और इसमें ये हींग डालेंगे। ये हींग डाली हमने, ये थोड़ा सा दाना मेथी डाला, और ये राई की दाल जो है वो 1 चम्मच हमने डाली इसमें, और ये सौंफ डाल दी हमने, इसमें 1 चम्मच सौंफ डाली है, और ये जो है लौंग डाले हमने इसमें 2-3-4, और ये दालचीनी डाल दी है, अब हम तेल गरम करेंगे। ये हमारा छुंदा है, इसमें हमने 1/2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं, और इसमें 1 टेबल स्पून, और ये 1/2 टेबल स्पून हमने ये छुंदे में मिला के अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, तो ये पानी छोड़ देगा। इसको हम 1/2 घंटा रख देते हैं। ये हम मिला रहे हैं, और अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, और अब हम इसमें थोड़ा 1/2 प्याला तेल डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे। इसको हम ढक के रख देते हैं 2 मिनट के लिए। अब ये जो हमने 1/2 प्याला तेल है, तो ये थोड़ा सा जो तेल बचा है वो हम इसमें डाल रहे हैं। कुल 1/2 प्याला तेल हमने इसमें यूज करा है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, और ये जो 3 टेबल स्पून मिर्ची है वो डालेंगे। मिर्च पाउडर तो तभी डालना चाहिए जब ये मतलब मसाला ठंडा हो जाए। ये जो तेल है वो हमने मीठा वाला ये मूंगफली का लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, सनफ्लावर, सोयाबीन, या आप जो भी तेल खाते हैं वो ले सकते हैं। 1/2 घंटा हो गया है, अब ये अच्छे से उसने पानी छोड़ दिया है नमक ने, तो अब हम इसको इसे चढ़ा रहे हैं गैस पर। अब मध्यम आंच करके और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर इसमें वो डालेंगे गुड़। ये हमने इसमें गुड़ डाल दिया है, गुड़ को हमने बारीक कर लिया है जिससे ये जल्दी गल जाएगा। तो इसको जब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी नहीं आ जाती। ये अब हमारा गुड़ है ना पिघल गया है, अब इसमें हम ये लौंग और ये दालचीनी डाल देते हैं, तो इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इसमें उबलेगा तो। ये हमारी एक तार की चाशनी आ गई है, और अब हम गैस बंद कर रहे हैं, और अब इसको हिलाते जाएंगे, और ये मसाला इसमें डालते जाएंगे। ये हिलाते जाएंगे और ये मसाला हम डालते जाएंगे। ये हमारा अचार तैयार हो गया, और ये 12 महीने टिक जाता है, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। छुंदे का अचार बोलते हैं इसको, खट्टा मीठा छुंदे का अचार, और इसमें बस खाली गीला चम्मच और गीले हाथ ना लगाएं, और इसको कांच की बर्नी में रखें। ये
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।